महादेव के अंश पर प्रहार कर देवी पौलमी ने अपनी सारी सीमाएं लांघ दी हैं। अब उनका अंत निश्चित है। अब हमारे पास केवल एक ही मार्ग है, हमारी मायावी शक्तियां। उसके प्रयोग से हम अपने ही कक्ष में छुप जाएंगे, जहां से कोई भी देवगण हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। जितना चिल्लाना है चिल्ला लो, आज तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुन पाएगा। क्यों? मां, मेरे पेट में सडनली बहुत पेन हो रहा है। तृष्णा, लगता है लेबर पेन शुरू हो गया। मां, मुझे कुछ नहीं पता, बस आप जल्दी से कुछ करिए मां, प्लीज। हाँ तृष्णा, कुछ करती हूँ। अगर धैर्य ये आ गया ना तो हमें छोड़ेगा नहीं। चलो बेटा, उठने की कोशिश करो। चलो चलो यहाँ से। प्रणाम माती। आप सब जिसे दंडित करना चाहते हैं, वो कमल का रूप धरकर अपने ही महल में छिपी हुई है। देवी संतोषी, ईर्ष्या और द्वेष के नियंत्रण के लिए ही आपकी उत्पत्ति हुई है। अतः इस चक्र को प्रक्षेपित करने का अधिकार हम आपको देते हैं। माते, हम उसका वध कैसे कर सकते हैं? देवी संतोषी, आप किसी का वध नहीं कर रही, अपितु एक दुराचारी को उसके कर्मों का दंड दे रही हैं। सत्य कह रही हैं देवी पार्वती। वैसे भी देवी पौलमी ने सारे षड्यंत्र आप ही के विरुद्ध रचे थे। हाँ देवी, अनेक बार उन्होंने आपके भक्तों को कष्ट पहुंचाया है, इसीलिए इस शस्त्र को आप ही चलाएं।
देवी संतोष, आपको एक कार्य अवश्य करना होगा, क्योंकि देवी पौलमी ने समस्त देवलोक को निर्बल समझ रखा है। वह असुरी शक्तियों में इतनी लीन हो चुकी है कि उन्होंने अपना विवेक, अपना देवत्व और अपना दायित्व सब कुछ खो दिया है। देवी संतोषी, आप संकोच न करें, आगे बढ़े। हाँ हाँ देवी, आगे बढ़े। माँ आदिशक्ति, हम आपके आदेश का पालन करेंगे। त्राहिमाम, त्राहिमाम, देवी आदिशक्ति अनर्थ होने से रोकिए। देवी देवी पौलमी हटी और अज्ञानी है, उन्हें इतना इतना भयंकर दंड मत दीजिए। देवी क्षमा कर दीजिए उन्हें। परंतु देव राजेंद्र, एक देवी के हट की भी एक सीमा होनी चाहिए। देवी पौलमी हमारी पत्नी है, मुझे कैसे भी करके माता से उनके प्राण बचाने होंगे। यदि देवी पौलमी नष्ट हो गई तो हम भी स्वयं के प्राण त्याग देंगे। अगर देवराज इंद्र ने स्वयं को हानि पहुंचाई तो संपूर्ण देवलोक संकट में आ जाएगा। देवराज, हम आपकी पीड़ा समझ सकते हैं, किंतु अब ये शस्त्र वापस नहीं लौट सकता। पर हम आपको वचन देते हैं कि देवी पौलमी जीवित रहेंगी, किंतु खंड खंड में। और हाँ, अब उनके पास उनकी शक्तियां भी नहीं होंगी। ये कौन सा शस्त्र है और ये हमारे समीप क्यों आ रहा है? कोई हमारी सहायता कीजिए, कोई हमारी सहायता कीजिए। अब हमें प्रस्थान करना होगा। माता शक्ति की जय, माता शक्ति की जय, माता शक्ति की जय। ये क्या? अंततः सत्य और न्याय की स्थापना हो ही गई। आपका कल्याण हो देवी। ब्रह्मदेव, अब हम भी प्रस्थान करते हैं। कैलाश जाकर हमें भी संपूर्ण व्याख्यान महादेव को बताना है। पुत्री,
ये क्या हो गया? पुत्री, तुम व्याकुल ना हो, मैं तुम्हारा अस्तित्व पुनः स्थापित करने के लिए कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकालूंगा। कोई तो है जो हमारे बारे में विचार करता है। देवेश, अब कौन से आभूषण भेंट करने के लिए लाए? हमारा शरीर तो कई भागों में बट गया है और आपने हमारी सहायता भी नहीं की। देवी, ऐसा नहीं है कि हम आपके लिए व्याकुल नहीं हैं, किंतु इस तिथि को निमंत्रण केवल आप ही ने दिया है, आपने स्वयं। आप जानती है ना कि ये आपके हट करने का परिणाम है। देवेश, परिणाम हमारे स्वभाव को परिवर्तित नहीं कर सकता। हट हमारी प्रवृत्ति है जिसके परिवर्तन की अपेक्षा आपको नहीं करनी चाहिए। ये शाश्वत रहेगा। देवी, अब आप क्या करना चाहती हैं? देवेश, हमारा केवल एक ही लक्ष्य, जिसके कारण हमारी अवस्था हुई, उससे प्रतिशोध। देवी, अब आपको समझाना हमारे लिए असंभव है, किंतु जाने से पूर्व आपसे एक बात अवश्य कहना चाहते हैं। हम आपसे अत्यधिक प्रेम करते हैं, पर अंत समय तक आपकी प्रतीक्षा करेंगे। हमारा शरीर भले ही खंडित हो गया हो, किंतु हमारे द्वेष की अग्नि पहले से भी अधिक प्रबल हो गई है। ये वचन हम स्वयं को देते हैं कि शीघ्र ही अपने उद्देश्य को पूर्ण करेंगे। इस दो डंडे के बाद दो डंडा और डाला, बताओ कितना? चार। अब हम करेंगे इसमें मटर। अच्छी आई है ना? बहुत बढ़िया मटर है। अब इस 9 डंडे में से हम 2 डंडा गायब कर देंगे। रुद्राक्षी और संतोषी कितने खुश एक दूसरे के साथ। I wish ये दोनों ऐसी खुश रहे। मामा, अब मैथ बहुत हुई, अब आप मुझे इस पोयम की मीनिंग बताओ ना। देखो, अंग्रेजी में, अंग्रेजी पीछा नहीं छोड़ता हमारा। अच्छा, एक काम करो आप, ये इस पे हिंदी की कोई कविता लिखो अपने मन से। हाँ, हम इसका मतलब पापा से समझ के आते हैं। धैर्य सर, जरा इस अंग्रेजी कविता के हमें मतलब समझाएंगे, रुद्राक्षी को बताना है। आपकी बेटी आपका जवाब का इंतजार करिए। छोड़, जवाब लेकिन ऐसे फ्री में नहीं मिलेगा। अच्छा, इसके बदले में तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। हाँ बोलो, क्या चाहिए? पर छोड़िए, चलो फटाफट एक किस्त दे। आप किससे मांगूंगा मैं? अच्छा,
तो वो ही नहीं आएगा, तुम टेंशन मत लो, बस फटाफट किस दे। क्या संतोषी? अरे सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। आप संतोषी काका? अरे तुम वहां हो बेटी, एक कप चाय बना दो, हमारे सर में बहुत दर्द हो रहा है। जी बनाते हैं। अरे किस मेरी एक चाय मेरे लिए भी। अरे संतोषिया हमारे लिए, हमारे लिए भी एक कप चाय बना दो। हाँ ताई जी आपके लिए भी बनाते हैं। आप रुद्राक्षी? हाँ मामा। बेटा यहाँ आ जाओ पापा के पास, किताब कॉपी लेकर। हाँ ठीक है। कविता का मतलब अब आपको पापा समझाएंगे। आजा। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। पानी पानी। अच्छा बहुत प्यास लगी। मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ बहुत पेन हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लगता है डिलीवरी का टाइम हो गया है। लेकिन अब इस जंगल में डॉक्टर कहाँ मिलेगा? दादी का फोन। दक्षा। हाँ दादी प्रणाम। देखिए ना ताई जी यहाँ फोन छोड़कर पता नहीं कहाँ चली गई हैं। कुछ बात दादी परेशानी है क्या? अरे बेटा ये टिनवा है ना, आम के पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ रहा था, नीचे गिर गया, पैर में बहुत चोट आई है। वो दक्षा को तो यहाँ भेज दे। हाँ हम ताई जी को भेजते हैं। एक काम करते हैं हम खुद ताई जी को लेकर आते हैं। हाँ आप टिन भैया का ख्याल रखिएगा, बोलिएगा हम लोग आ रहे हैं। ठीक है। ताईजी दादी का फोन आया था, वो बता रही थी कि टीनू भैया पेड़ पे चढ़े थे वहां से गिर गए हैं, बहुत चोट आई है। छोटी छोटी टीनू पेड़ से गिर गई। ठीक हो जाएगा ताईजी, संभालिए खुद को, कुछ नहीं होगा। क्या हुआ संतोषी? वो बाराबंकी से दादी का फोन आया था धैर्य सर, तीनों भैया पेड़ से गिर गए हैं, चोट आई है। धैर्य सर तीनों भैया बहुत छोटे हैं, माँ के बिना अकेले दादी से संभाल नहीं रहे हैं, हमें ताई जी को लेकर तुरंत बाराबंकी के लिए निकलना होगा। बेटी अभी तुम फौरन जाओ बेटी, ज़्यादा देर मत करो। जी हाँ। तो एक काम करो, मैं मुझे फैजाबाद में काम है, मैं भी निकल जाऊँगा, रास्ते में तुम लोगों को बारह बन के ड्रॉप कर दूंगा। जी चलिए ठीक रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। चाची जरा रुद्राक्ष को संभाल। हां हम संभाल लेंगे सब। मैं देखती हूं अगर कोई क्यों डॉक्टर लेके आती हूं। हां सब ठीक हो जाएगा कृष्णा, और थोड़ी देर। हां मैं अभी आती हूं बेटा। कृष्णा प्रणाम। असुरराज, असुरराज हम कितने असहाय हो गए, देखिए हम आपको प्रणाम भी नहीं कर सकते। हम तुम्हारी मनोस्थिति को समझते हैं पुत्री, इसीलिए तप करने के लिए जा रहे हैं, और शीघ्र ही तुम अपना रूप शक्तियां और गुणों को प्राप्त कर लोगी। इस संपूर्ण ब्रह्मांड केवल आप ही हमारी सहायता कर रहे हैं असुरराज, हम सदैव आपके आभारी रहेंगे।
ताई जी संभालिए अपने आप को, कुछ नहीं होगा। यहाँ कोई हॉस्पिटल है क्या? मुझे नहीं पता मैम। नहीं पता?